बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार लीड कैरेक्टर कर रहा हूँ हिंदी में, और ऐसे महान इंसान का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि रिलीज़ होने के बाद ये ऑडियंस को पसंद आएगी नहीं आएगी, कैसा उनका रिएक्शन होगा। वैसे मैं थिएटर से हूँ, तो मैंने क्या है कि बड़ौदा से परफॉर्मिंग आर्ट्स ड्रामा कॉलेज से डिग्री मिली है, और मैं यहाँ 15 सालों से गुजराती थिएटर करता हूँ, तो बहुत सारे किरदार किए हैं मैंने, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पर बस डर एक ही प्रकार था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रोल पोर्ट्रेट करना, कि क्योंकि उनके बारे में लोगों ने सुना है, उनकी पिक्चर्स भी देखे हैं, तो मैं उनके सिमिलर पहुंच पाऊं, तो बस वही चैलेंजिंग था मेरे लिए, और उसके लिए मैंने बहुत उर्दू के वर्कशॉप लिए, फिर उनके जो बुक्स थी उनके ऊपर, उनके जो फोटोग्राफ्स थे उनको देखा, वो कैसे बैठते थे, कैसे खड़े रहते थे, फिर उनके रिकॉर्डिंग्स सुने जो कैसे बोलते थे। अभी उनको कॉपी करना तो सिमिलर नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि उनकी आवाज़ और मेरी आवाज़ में बहुत अंतर है, फिर भी उनके सिमिलर मैं कर पाऊँ ऐसा मैंने बहुत प्रयत्न किया है। मैंने कम से कम एक महीना मुझे तैयारी करने को लगा, क्योंकि तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी बहुत ही हार्ड थी, जो उसमें उर्दू बहुत ज़्यादा थी, तो पहले तो मैं 15 दिनों तक उनके घर पे वो स्क्रिप्ट का पठन करने के लिए जाया करता था डायरेक्टर साहब के। उसके बाद मैंने उनको पिक्चर्स देखे, तो उनको देख के घर पे मैं बैठना, उनके जैसा हाव भाव आईने में देख के करने का प्रयत्न करता था, और इस तरह से मैंने इस कैरेक्टर को ये किया। सर, अगर लुक की बात करें तो सेम मौलाना आज़ाद की तरह दिखना, उसमें आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी? वो तो क्या है कि थोड़ा लुक वैसा ही है, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ी, और बाकी तो गेटअप उनकी जो दाढ़ी मूछे जो लगाई उससे तो आई है, थोड़ा सा लुक उनसे मिलता ही था पहले से ही, तो काम कर रहे हैं। गाने फिल्म में ऐसे देखने जाए तो सिर्फ एक ही लिया गया है, जैसे टोटल 5 गाने हैं, पर फिल्म में शायद यहाँ एक ही गाना लिया गया। मौलाना अबुल कलाम का एक डायलॉग है कि मैं मुसलमान बाद में हूँ, हिंदुस्तानी पहले, ये डायलॉग मुझे बहुत ही छू गया है इनका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। और दूसरा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो प्रयत्न किए थे उस दौरान, वो भी काबिले तारीफ है। व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ़ एक फ्रीडम फाइटर थे इसलिए मत देखो, अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए भी ये फिल्म देखिए, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कितनी सारी डिग्रियाँ ली थी, कितने पढ़ाई की थी, कैसे उनका जीवन उन्होंने ये किया था। इंग्लिश उस टाइम पे उनके पिताजी ने ना बोला था कि तुम इंग्लिश कभी नहीं सीखोगे, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उन्होंने फिर उनके बाद इंग्लिश को भी उस टाइम पे सीखा था, और बहुत सारी लैंग्वेज भी जानते थे, तो बच्चों को कैसा बनाना चाहिए, कैसी परवरिश होनी चाहिए, उसके लिए भी हर एक माँ बाप को ये फिल्म देखनी चाहिए। हाँ, मैंने ऐसे गुजरात से हो तो मैंने गुजराती फिल्म किए हैं बहुत सारी विलन में, और मेरी इससे पहले भी अभी पिछले साल एक कॉल फॉर फन नाम की एक फिल्म आ चुकी थी, उसमें मैंने विलन का किरदार किया था, तो अभी देखने जाओ तो वो ये पहली फिल्म कही जाएगी जिसमें मैं लीड कैरेक्टर हूँ। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बस मैं तो खुश तो हूँ ही, क्योंकि हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है, ऊपर से पोस्टर लॉन्च हुआ है, बुकलेट भी लॉन्च किया हमने, और ऊपर से डेट अनाउंस हो गई है कि 18 तारीख अब रिलीज़ कर रहे हैं। बाकी फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये कहूँगा कि एक मौलाना आज़ाद जो थे हमारे फर्स्ट, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो, और उनके ऊपर एक बायोपिक जो हमने बनाई है, वो साथ पहली बायोपिक है ये, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनके बारे में पढ़ के और उनका बायोपिक करने में, क्योंकि
एक ऐसे आदमी जो मुसलमान तो थे, मुस्लिम थे, और ये कहूँगा कि वो मतलब बंटवारे के खिलाफ थे लास्ट तक, एंड तक उनको ऐसा लगा कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो वो सारी बातें हैं इसमें। और ऊपर से सबसे पहली बात ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारा जो हम इंडिया को फ्रीडम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने जो है वो हमारे जो क्रांतिकारी दल थे यहाँ पर उनके साथ में भी वो उन्होंने भाग लिया था। तो सबसे बड़ी बात यह कि एक जब जहाँ की हर मुसलमान जो है अंग्रेज़ों के साथ में उस वक्त के थे, और यहाँ मौलाना आज़ाद जो है वो हमारे क्रांतिकारियों के साथ में वो थे, तो एक ये सारी बातें उनकी अच्छी लगी मुझे, जो कि मुझे लग रहा है कि सब लोगों को इस फिल्म को उस तरीके से देखना चाहिए। मैंने नहीं, ये हमारे जो दूसरे डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी दिन पहले ये फिल्म लिखी थी, 4-5 साल से वो लगे हुए थे इस फिल्म पे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया इस फिल्म के बारे में, और फाइनली वो बनाने के जब उन्होंने सोचा कि अब हमें बनानी चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी वो किया, मार्केट वगैरह में सारी बातें करनी लगी, फिर फाइनली मैं मिला उनको, मेरे से बातें हुई, और फिर एक हमें लगा कि 1-2 महीने में हमने तैयारी की और शुरू कर दिया। ये तो जो हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने 4-5 साल लगाए हैं इस पर सर्च करने, लेकिन वो इस बारे में जो है जब वो चाइल्डहुड थे तब से सोच रहे थे, प्रेरित थे उनसे, तो तब से वो सोच रहे थे कि इसको बनाना है, या उनके बारे में सोच रहे थे, जब उनको लगा कि अब जब वो इस लाइन में आए, उन्होंने उनके बारे में लिखना शुरू किया, और फिर एक समय ऐसा आया कि जब उनको लगा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए, पर 4-5 साल से वो इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए थे। वैसे मैं आपको सही बताऊं तो तैयारी मैंने ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि मैं जहाँ पर था, बाबूजी जो राजेंद्र जी हैं उन्होंने पहले से बहुत सारी तैयारी करके रखी थी, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, पर हाँ ये था कि जो टेक्निकली पार्ट और सारी चीज़ें थी वहाँ पर जो है हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी सब लोगों को, कुछ जो उर्दू के लहजा थे उस पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, किस तरीके से प्रॉपर्टी से लेकर और उनका गेटअप से लेकर और पुराना जो माहौल था उसको एक सजाने में हमको टाइम तो प्रॉब्लम हुई, बाकी तो सब इजी करते, स्टार्ट किया तो सब लोग मिलते गए घुलते गए, काम होता गया और एक दिन फिल्म बन गई। हमने वो उन्होंने डिसाइड करके रखा था जब फिल्म की एक स्क्रिप्टिंग शुरू हुई थी तब उन्होंने डिसाइड किया, तो और फिर फिल्म में गाने किस तरह के गाने हैं, एक तो देशभक्ति के ही हैं सारे, और एक गांधी जी के ऊपर है, एक कलाम के टाइटल सॉन्ग्स हैं जो हमने कुछ कुछ फिल्म में भी डाले हैं, कुछ बाकी और गाने हैं जो 5-6 गाने हैं जो देखते हैं कि कैसा है क्या होता है। जी थैंक यू सर, पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी, आपके फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है, कितना एक्साइटेड हो सर, फिल्म कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए बनाने के लिए? पहले ये बताइए आपने जो देखा ट्रेलर वो आपको कैसा लगा, आपका विचार क्या उसके बारे में? तो ये फिल्म भी आपको अच्छी लगेगी, अगर ये फिल्म देखेंगी तो भी वो फिल्म आपको अच्छी लगेगी। अच्छी चीज़ को बनाने में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं और हमने उन कठिनाइयों का सामना किया है और लड़ाई लड़ी है विपरीत परिस्थितियों से, और कई साल हमारे उसमें गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, हमने बाद में इस पर विजय पाई और फिल्म को बड़ी आसानी से इस फिल्म को एक स्टेज में शुरू शुरुआत करके अंत इसका किया है, और जितने लोगों ने चाहे वो एक्टर हों चाहे वो टेक्नीशियन हो सबने बहुत बड़ा सहयोग दिया, और इसीलिए ये फिल्म इतनी जल्दी बन पाई है, जो हम पहले कोशिश करते थे वो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस ग्रुप के जरिए हमको लगा कि हम सब मिले तो देश को अंजाम मिलेगा, हाथों में अपने मुल्क का निजाम मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम सब मिलें तो किसी कठिन काम को हम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं, निभा सकते हैं, फिल्म का यही संदेश है। मौलाना आज़ाद के बारे में हालांकि वो गांधी के बहुत नज़दीक थे, लेकिन उनके बारे में कोई ख़ास ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी, और मेरे पिताजी उनके बड़े प्रशंसक में से थे और उन्होंने उनके बारे में मुझको बताना शुरू किया था कि क्या थे कैसे हुआ, उनके लाइफ के बारे में बताते रहे, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनके बारे में कुछ पढ़ा जाए। मैंने पढ़ा उनके बारे में और देखा कि ये व्यक्ति बिल्कुल अनूठा है, बाकी दूसरे नेताओं से बिल्कुल ही अलग है, इनके विचार अलग हैं,
और इनके कार्यशैली को देख के मुझे लगा कि आदमी जो कहता है वो करता है। इनके जो पूर्वज थे मुगल बादशाह बाबर के साथ अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे और वे लोग जज बन के माने जो कहते ना इंसाफ की गद्दी पर बैठे थे, तो उनके जितने भी पूर्वज और बाद की जो जनरेशन हुई सब ने इसी पद को शोभित किया। और यही बात मौलाना में भी आई कि वो भी इंसाफ पसंद थे और वो सबको एक नज़र से देखते थे। उन्होंने जिंदा को एक बात कही थी कि कांग्रेस का जो चश्मा है, उस ज़माने का कांग्रेस, आज का कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उस ज़माने का कांग्रेस, वो जो चश्मा मुझको देती है, लोगों ने मौलाना जी को कहा था उन्होंने कि आप कांग्रेस का शो बॉय हैं और वो आप वही देखते हैं जो कांग्रेस दिखाती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, मैं उस चश्मे से हिंदू और मुसलमान उस चश्मे से मुझे एक जैसे नज़र आते हैं, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। और उन्होंने ये भी माना कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम है वो भारत माता के दो हाथ हैं, दो आँखें हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात थी। ऐसे जुमले बोलने वाले, ऐसे विचार रखने वाले लोग छोटे नहीं होते हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि इनके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। हाँ, कठिन काम तो था, लेकिन सबसे पहले ये है कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो कौन है। अगर जो एक्टर है उसका चेहरा मोहरा अगर थोड़ा सा भी उस किरदार से मिलता जुलता है, मौलाना आज़ाद से मिलता जुलता है, तो लोगों को लगता है कि मेरे सामने मौलाना आज़ाद हैं और वही बात कर रहे हैं, तो उनके मुंह से निकली हुई बात ओरिजिनल मानी जाती है और उसको लोग जल्दी से प्रभावित होकर मान लेते हैं। लेकिन अगर चेहरा मोहरा ना हो सही तो कोई उस बात पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए मैंने उस बात का ध्यान रखा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे गांधी हो, मौलाना हो, मोतीलाल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इन सब के जो किरदार हैं उसको निभाने वाले जो कैरेक्टर्स आर्टिस्ट हैं उनका चेहरा कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए, लेकिन लगे कि ये गांधी जी हैं, ये पटेल जी हैं, ये कृपलानी हैं या ये गांधी जी हैं, ये महसूस होना चाहिए सामने वालों को देखने से। पहले तो दृष्टि का बात होती है, फिर उसके बाद उनके शब्दों की, उनके विचारों की बात होती है। तो इस तरह से मैंने पहले तो चुनाव किया कि ऐसे कलाकार जिनका चेहरा मोहरा उनसे मिलता जुलता हो, और उसमें मैं काफ़ी कठिनाई तो हुई लेकिन सफलता भी मिली मुझे। और उनके ऊपर कठिन काम ये था कि उनको उस कैरेक्टर में ढालना, उनकी बोलचाल, उनका हाव भाव, बोलने का स्टाइल, इन सारी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। और इससे मुझे सारे आर्टिस्ट काफ़ी कोऑपरेटिव लगे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और जो भी कैरेक्टर उन्होंने किया है उसको सही ढंग से उतारने की भरसक कोशिश की है, और एक बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मौलाना आज़ाद तो उनका नाम ही है और वो मौलाना है भी, इसलिए मौलाना आज़ाद तो बिल्कुल कॉमन था, लेकिन उनकी विशेषता को, उनके व्यक्तित्व की विशेषता को दिखाने के लिए कुछ तो बात होनी चाहिए, विशेषण होना चाहिए था। तो एक मसीहा थे। मसीहा वो होता है जो लोगों को कुछ संदेश देता है, कुछ राह दिखाता है, उस राह पे लोगों को चलने के बाद उनको उसका फल बताता है कि सही फल मिला उनको। तो ऐसे लोगों को मसीहा कहते हैं जो लोगों का पथ प्रदर्शक होता है और उनके भविष्य के बारे में, उनके उनकी भलाई के बारे में सोचता है। तो ये मसीहा थे, लेकिन क्योंकि पास्ट हो गया है इसलिए मैंने कहा था वो जो था एक मसीहा मौलाना आज़ाद। ये मेरी फीचर फिल्म के रूप में ये मेरी पहली फिल्म है, लेकिन इसके पहले मैं दो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुका हूँ और डायरेक्शन दे चुका हूँ, स्क्रिप्ट कर चुका हूँ, और ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के लिए बनाई थी और उन्होंने इस बात को काफ़ी सराहा है कि हमने जो काम किया, वो फिल्म आज भी लोगों में दिखाई जाती है। अब दर्शक तो सबसे बड़े जज होते हैं, उनसे कहना छोटी बात हो जाएगी मेरे लिए, बस वही जज हैं, वो इस फिल्म को देखेंगे। हमने जो सोचा है कि इस हिंदुस्तान में हम रहने वाले लोग हिंदुस्तानी मात्र हैं, न हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, हम सिर्फ इंसान हैं,
और दूसरी बात यह कि हम सब जब मिल जाएंगे तो हमारे देश की जो कठिनाइयाँ हैं सब की सब बड़ी आसानी से सुलभ हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं, हल हो सकती हैं। ये मेरा संदेश है कि हम सब मिले तो देश को अंजाम मिलेगा, हाथों में अपने मुल्क का निजाम मिलेगा, ये हमारा कहना है। थैंक यू।